press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आपको इस प्लस के निशान पर प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे इस तरह का आइकन आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपको मीडिया को क्लिक करना है और आपको एक बैकग्राउंड चेंज करना है, जो आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको गैलरी से मोबाइल का कोई फ्रेम जो आपने डाउनलोड कर रखा है, नहीं कर रखा तो डाउनलोड कर लीजिए, वो इसमें ऐड करना है आपको। उसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको वाइट लाइन के बराबर ही कर लीजिएगा और फिर से आपको मीडिया में जाना है और अपने चैनल का एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है, एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, जो मोबाइल का फ्रेम है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो वाइट वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये वाइट वाला आइकन को डिलीट कर देना है। वाइट वाले आइकन को डिलीट कर देना है, ये देखिए जो वाइट वाला आइकन आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसको आपको डिलीट कर देना है और इसको आप इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। इसको रिमूव करने के बाद वाइट वाले आइकन को दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको सेव कर लेना है और इसको हाई क्वालिटी में सेव करना है और इसके बाद एक्सपोर्ट दबा देना आपको और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ये हमारा गैलरी में सेव हो गया। अब हम उसको बैक में आना है वापस और फिर से प्लस के बटन को प्रेस करना है और प्रेस दबाने के बाद आपको मीडिया में जाना है और फिर से वाइट वाला बैकग्राउंड आपको ले लेना है और उसके बाद आपको लेयर में जाके मीडिया में जाना है और जो हमने वीडियो सेव की है अपनी गैलरी में उसको यहाँ पर क्लिक करना है और जितनी हमारी वीडियो है वाइट वाला आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें फिर से रिमूव करना है, इसके बराबर ही रखना है वीडियो के बराबर ही। फिर दोबारा हमें मीडिया में जाके मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये बेल को जो प्रेस करता है हैंड ये वो है, जैसे सब्सक्राइब दबेगा ये उंगली प्रेस कर देगी आइकन को भी, बेल आइकन को भी और सब्सक्राइब के बटन को भी, तो आपको उसके हिसाब से ही एडजस्ट कर देना है कि कहाँ पर बेल आइकन प्रेस होगा और कहाँ पर सब्सक्राइब का बटन प्रेस होगा, उसके हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना है हैंड को। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कहीं से भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है विदाउट कॉपीराइट के। और उसको हमें सेव कर लेना है, दोबारा से हमें मीडिया में आना है और जो हमने वो वीडियो सेव की है दोबारा उसको इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये हम देख लेते हैं कि कैसा बना है। और वाइट वाले आइकन को हमें फिर से रिमूव कर देना है, और हमें जो चाबी का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, चाबी वाले आइकन को प्रेस करना है और हमें थोड़ा सा वीडियो को आगे करना है थोड़ा सा, फिर से प्लस चाबी वाले आइकन को प्रेस, जो प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है इस पर प्रेस करना है, थोड़ा सा आगे करके फिर प्रेस करना है
इतना हैंड अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इतना प्रेस करते रहिए, फिर इस इमेज को लंबा कीजिए, चौड़ा कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब का बटन और HD 3D आपको दिखाई दे, जो व्यूवर और सब्सक्राइबर होते हैं उन पर पूरा असर पड़ता है इसका। प्लस का निशान फिर से प्रेस करना है, थोड़ा सा आगे करके फिर प्रेस करना है। थोड़ा थोड़ा करके करते जाइए इसको प्रेस, इतना सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं क्लिक होता। और क्लिक होने के बाद आपको फिर से उसी पोजीशन में चले जाना है। इसको हम दोबारा से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये सीधा हो गया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हमें फिर से प्लस के निशान को प्रेस करना है, थोड़ा सा और आगे करके फिर प्रेस। फिर हमें इसको बड़ा कर देना है जूम करके, जिससे हमें बेल आइकन दिखाई दे। ये देखिए हमें बेल आइकन दिखाई दे गया। अब हमें वीडियो को थोड़ा सा आगे करके फिर फ्रेश करना है। ये फ्रेश हो गया है, अब थोड़ा सा और आगे करके फ्रेश कर देना है प्लस के निशान को। थोड़ा सा वीडियो को आगे करके फिर फ्रेश का निशान क्लिक कर देना। अब हमें वीडियो को जूम करके देखना है और ये सही लेवल में लगाना है हम इस तरह से। अब फिर से फ्रेश के निशान को प्रेस कर देना है, थोड़ा सा और आगे करके वीडियो को फिर से प्रेस का बटन दबा देना है। ऐसे करके हमारा सब्सक्राइब और बेल आइकन अच्छे तरीके से बन चुका है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। और इसमें हमें एक साउंड इफेक्ट भी डाल देना है, जिसकी आवाज़ मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको मैंने किस तरह से बनाया है। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।